मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मार्च के महीने में अपने पुराने सभी लंबित भुगतानों को हासिल करना चाहती है। इसीलिए लगातार विद्युत विभाग के लोग जगह जगह वसूली के अभियान छेड़ रहे हैं। खबर सतना से है, जहां अधिकारियों ने फरमान सुना दिया है कि मार्च है, किसी को न छोड़ो। बिजली बकायादारों पर कार्यवाही के लिए मातहतों को ये फरमान सुना दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में मार्च का मतलब ही पैसे की वसूली होती है। विद्युत कंपनी में तो हर महीने बात पैसे की ही होती है। ऐसे में अधिकारी निकल पड़े हैं और वसूली के लिए उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। दरअसल वित्तीय वर्ष पूरा होने जा रहा है और सतना में 14 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से वसूल करने बाकी हैं। लिहाजा कार्यपालन शहर इंजीनियर राजकुमार पांडे ने अपने मातहतों को ये फरमान जारी कर दिया है कि मार्च के पहले तमाम वसूली पूरी कर ली जाए। अभी हमारे पास जो बकाया राशि है वो 14 करोड़ पूरे शहर से है। इसमें से अभी हम लोगों ने टारगेट किया है 10,000 के ऊपर जो कंज्यूमर है उनको अपन लगातार वसूली में डिस्कंसन कर रहे हैं और उनमें डिस्कंसन के बाद पैसा भी आ रहा है। अभी हमने जो 10,000 के ऊपर के सभी कंज्यूमर्स को लगभग अपन ने जिन्होंने कनेक्शन काटने के बाद भी पैसे राशि जमा नहीं की है उनको DRA के तहत उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमारे पास महीने के शुरू में 2400 उपभोक्ताओं पे प्लस 28 उपभोक्ताओं पे 4.5 करोड़ की राशि बकाया थी। आज दिनांक तक उसमें 1,80,00,000 रुपये आ चुके हैं और इनमें हमने DRA के तहत कार्रवाई की है और हमने 449 कंज्यूमरों पे जिन पे 2,50,000 बकाया उनको फॉर्म बी और फॉर्म सी जारी किए हैं। फॉर्म सी हमने अपने जेई जो नायब तहसीलदार पदेन तहसीलदार का पद उनको अधिकृत है उनको उनकी गोती की कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है।